मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अगवा मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अनमोल प्रेम से अनूठा बल से आग जला दे मुझ में, अनमोल प्रेम से अनूठा बल से आग जला दे मुझ में, मिले तुझे प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते सब महिमा आप ही को मिलने दे पिता, हम एक एक के साथ ही शाम के समय बातें कर प्यारा प्रभु वचन को अध्ययन करते समय में प्रभु हमारे एक को जरूरत की बातों को गहराइयों को समझने के लिए प्रभु सहायता कर, तेरे वचन का प्रकाश मिलने से प्रभु जी भोले भी बुद्धिमान बनते हैं प्यारा परमेश्वर, हालेलुया। हमारे एक को प्रभु जी वचन को समझ कर ग्रहण करने के लिए मदद कर सहायता कर, आपके पवित्र हाथों पर सौंप दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद हो। फिर एक बार प्रभु ने परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए हम सभी को इकट्ठा होने का मौका दिया। हम लोग लगातार वचन सीखते आ रहे 613 नियम में से हम लोग कौन सा हेडिंग था, परमेश्वर का नाम को पवित्र मानना और अपवित्र ना करना, है ना, उस पॉइंट को हम लोग सीखते आ रहे हैं। उसमें हम लोग मत्ती 6:9 को बेस रख के हम लोग उस वचन को सीखते आ रहे थे, मत्ती 6:9 वचन। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना। इस विषय को रखकर हम लोग लगातार सीखते आ रहे हैं। तो हमने 2-3 पॉइंट देखा, आज हम लोग उसी में एक और पॉइंट देखेंगे, कैसे हमारा परमेश्वर के नाम को पवित्र मानना है या कैसे हमारे द्वारा उसका नाम अपवित्र होता है। पढ़ेंगे
लेव व्यवस्था 22वां अध्याय उसका 31 और 32, लेव व्यवस्था 22वां अध्याय 31 और 32। इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना क्योंकि मैं इसराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। दोबारा हम पढ़ेंगे, इसीलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना। क्या करना? परमेश्वर का नाम पवित्र करने के लिए, पवित्र माना जाने के लिए मेरे द्वारा परमेश्वर क्या काम करना पड़ेगा कि मैं उसकी आज्ञाओं को क्या करूं? मानूं। तो वापस पढ़िए, इसीलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना। तुम लोग मेरे आज्ञाओं को क्या करना? मानना और उनका पालन करना। और उनका क्या भी करना? पालन करना। मैं यहोवा हूँ और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। मेरे पवित्र नाम को क्या मत ठहराना? अपवित्र। कैसे अपवित्र किया जाएगा परमेश्वर का नाम? अगर हमने उनकी आज्ञाओं को नहीं माना तो उनका नाम अपवित्र माना जाएगा। तो लेकिन प्रार्थना में हमने क्या सीखा? यीशु ने क्या प्रार्थना करना सिखाया? तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो अगर परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाना है तो क्या करने के लिए यहाँ पर कहा गया है? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है? पालन मानना है और पालन भी करना। तो सबसे बड़ा अक्षर में आप क्या करना, लिख के रखना कि मेरा कर्तव्य बनता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मसीह व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जान लिया है उसका सर्वप्रथम कार्य क्या होगा? उसको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उसका क्या भी करना? पालन भी करना। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। तू मान या मत मान मैं इसराइलियों के बीच, इसराइली बोलेगा तो उनके चुने हुए, उनके निज प्रजा के बीच अवश्य ही क्या माना जाएगा? इसका बोलने का मतलब आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं? मुझे अगर पवित्र मानना है, मेरा नाम अगर पवित्र होना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी आज्ञाओं को मानना है और पालन करना है, तब क्या होगा? मेरा नाम पवित्र माना जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखें, इसराइलियों के बीच मेरा नाम अवश्य पवित्र। अब पढ़ो क्या लिखा है, क्योंकि मैं इसराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। तू मान या मत मान, मैं क्या किया जाऊंगा? पवित्र माना जाऊंगा। क्यों माना जाऊंगा? उसके पहले एक वर्ड लिखा है, मैं यहोवा हूं। क्या बोल रहे? मैं यहोवा हूं। तू अगर मानेगा तो अच्छी बात, नहीं तो साबित कर दिखाएगा कि मैं यहोवा हूं। समझ में आया? तो ये ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल बोलेगा तो कि करो या मत करो, ऐसा नहीं है। मैं तो अवश्य क्या माना जाऊंगा, लेकिन मेरा नाम तुम्हारा द्वारा पवित्र माना जाना है नहीं जाना है फैसला कौन करो? तुम करो। मैं कौन हूं? तुम अगर मानेगा तो ठीक, नहीं माना साबित कर दिखाऊंगा मैं यहोवा हूं। हालेलुया, आगे बढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कैसे साबित करेगा? वो हमारा कौन है?
पवित्र करने वाला परमेश्वर। अगर मैं खुद से होना नहीं चाहूं, मुझे पवित्र करेगा। हालेलुया। सबसे कठिन बात इसलिए वचन में हमने पढ़ा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। अभी हम किसके हाथ में है ना, कई बार प्रार्थना समस्या आते समय प्रभु तू मेरे अपने हाथों में मुझे क्या कर ले, लेना बड़ी बात नहीं है, ले लेगा। परमेश्वर क्या करेगा, ले लेगा। लेने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा, तू किधर हिल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, यहोवा हूं। इसका मतलब क्या है, आज्ञा पालन करने रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी आज्ञाओं को तुझे मानने रखेगा। अभी समझ में आया, वो हमारा कौन है, बाप है, हमारा भलाई चाहता है, वो हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है, हमें दिन ब दिन क्या करते जाएगा, पवित्र करते जाएगा, और ये साबित करता जाएगा मैं ही यह। इसलिए वचन में लिखा, हर एक घुटना मेरे सामने क्या करेगा, टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है, मानो या ना मानो, मानने रखेगा। कैसे मानने रखता है, एक घटना आपको याद होगा, यीशु जब एक मीटिंग रखे थे, चेले सब लोग उधर क्या किया, मीटिंग में आए, उनके अंदर एक विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था, क्या विवाद चल रहा था, हम में कौन बड़ा है, हम में कौन बड़ा। वचन सीखते सीखते चेलों के अंदर एक गड़बड़ी आई। क्या गड़बड़ी आई, सब माना, देखो लगभग 3 साल किसके साथ थे, यीशु के साथ थे, यीशु के जैसे बन गए। क्या बोल रहा हूँ, कैसे, सबूत, इनको पकड़ने के लिए भी एक इनमें से एक जन का जरूरत पड़ा, क्योंकि सबका चेहरा दिखने में कैसा है, एक जैसा, मतलब सब अलग अलग लोग, इनका रहन सहन रूप रंग सब किसका जैसा हो गया, यीशु के जैसा हो गया। होने के बाद में भी है ना, बीच में इनको इतना होने के लिए यीशु ने इनको उतना गहरा ट्रेनिंग में क्या किया, लेकर गया। क्या क्या गया ये हम लोग सिक्के हैं, आप लोग जानते हैं, हर बार यीशु उनको क्या करते थे, सतर्क करते थे, सोएंगे तो क्या करेंगे, उठाते थे, खाना दिया तो इनको प्लेट धोने का रख देते थे, है ना, सारा सिस्टम इनको क्या करके दिया। फिर भी लास्ट इनके अंदर एक स्वभाव रह गया था, क्या था, हमें कौन बड़ा कौन। ये मैं ये विषय क्यों, मैं इधर से इधर काड़ी को क्यों घुमाया, आप लोग सोचेंगे विषय था हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर, इधर से गाड़ी इधर कैसा घूम गया। ये इसी तरह पुराने नियम में हम देखते समय हम लोग दाऊद को अच्छे रीति से क्या करते हैं, जानते हैं, दाऊद जब सब ठीक ठाक हो गया, बहुत कुछ उसने परमेश्वर को जाना माना, उसके बाद दाऊद के अंदर एक छोटी बारीकी सी परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने का विषय आया। वो कौन सा विषय है, पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा सामवेल 6 अध्याय उसका 1 से लेकर पढ़ेंगे। अभी हम लोग दाऊद का पाप बोलते समय हम लोग खाली 21 शरण में चले गए, असली में इधर एक बात हम लोग जाने हैं, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, फिर दाऊद ने एक और बार इसराइल में से सब बड़े वीरों को, सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले। हाँ, कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए। संदूक को लेने के लिए कितने लोग जा रहे हैं, 30,000। कैसे लोग जा रहे हैं, बड़े वीर लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। संदूक ले आए। हाँ, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। जो कौन कहलाता है, करूबों पर
करूबों पर विराजने वाला सेनाओं का यहोवा का कहलाता है। ये संदूक क्या है आप लोग ने देखे ना, एक बॉक्स है जिसके ऊपर एक केरूबिन दो पंख को एक दूसरे के साथ क्या किया जोड़ा हुआ है। उसके बीच में परमेश्वर साल में एक बार किससे बात करते थे, याजक से, महायाजक से क्या करते थे, उसकी तैयारी कितनी है सब आप जानते हैं। वो संदूक इसराइलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है वो संदूक? संदूक को सादा भाषा में अगर बोलेंगे पेटी है, एक पेटी है जिसके अंदर क्या क्या है, हारून का फूली फली लाठी, दूसरा मन्ना का मन्ना रखा हुआ मर्तबान, तीसरा क्या है आज्ञा की पटिया, ये उसके अंदर रख कर यादगारी के लिए प्रभु ने उसके अंदर रख कर उसके ऊपर क्या है एक ढकना है, ढक्कन है, उस ढक्कन में क्या है करूब क्या किए उधर है। ये पेटी को परमेश्वर ने इसराइलियों को बनाने के लिए बोला, जिधर किधर युद्ध में जाना हो, यर्दन पार करना हो, तो पहला क्या जाएगा, पेटी जाएगा, संदूक जाएगा। संदूक को इसराइली क्या समझते थे, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। अगर पेटी उनके साथ है तो उनको एक क्या लगता है, धैर्य साहस मिलता है, मेरे साथ कौन है। इसराइली गर्व से क्या करते थे, इसको कैसे समझेंगे, एली के समय में जब शत्रु फलिस्ती क्या करने लगे, लड़ने आए थे, तो उनको इनको डर लगने लगा, किसको, इसराइली को डर लगा। तब इन्होंने क्या किया, क्या लेके गया, संदूक लेकर गया। अब जोर से जयघोष हो रहा है, सामने वाला भी क्या हो गया, परमेश्वर किधर से आ गया, इतना एक भय किधर छा गया था। हकीकत है ने इसराइली को एक ताकत आया, मतलब इससे क्या समझ में आता है, संदूक क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति। ये उपस्थिति का पेटी को लेने के लिए दाऊद यहां पर कितने लोगों को लेके जा रहा है, 30,000 लोगों को लेकर जा रहा है। हाँ आगे, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। अबीनादाब के घर से क्या किया, निकाला। और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक दो पुत्रों पर, अबीनादाब के दो बेटे थे, एक है उज्जा और अहो, अहो है ना, हाँ दो बेटे थे, हाँ नामक दो पुत्र, हाँ उस नई गाड़ी को हांकने लगे, इस नई गाड़ी को क्या करने लगे, हांकने लगे। समझ में आ रहा विषय क्या है, ये संदूक अभी किधर है, अबीनादाब के घर में, उनके घर पे कैसा आया, अब घर में जाके उसके पीछे का अध्याय को क्या करो पढ़ो। ये पेटी कभी से गायब है, एली के समय से लेकर पेटी किधर नहीं है, इसराइल के बीच में नहीं है, इधर से उधर उधर से उधर करके लास्ट में किसके घर पे आया, अबीनादाब के घर पे आया। उन घटना को आज घर में जाकर आप एक बार पढ़ लीजिए। अभी अबीनादाब के घर में है तो दाऊद बोला अभी इसको क्या करेंगे, हमारे नगर में क्या करेंगे, लेकर आएंगे, बोलकर लोगों को लेके जाकर लेने के लिए गया। तो अबीनादाब के दो बेटे थे, एक उज्जा और अहियो नाम के दो बेटे थे। ये दोनों जन अब ये पेटी को कैसे लेके जा रहे हैं, गाड़ी नई गाड़ी में, जूना गाड़ी नहीं है, यूज किया हुआ गाड़ी नहीं, नई गाड़ी में इसको रख कर क्या कर रहे हैं, लेकर हाँक कर ले जा रहा है। हाँ और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत, हाँ टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, निकाला और अहियो संदूक के आगे आगे चला, अहियो आगे आगे चल रहा था। हाँ दाऊद और इसराइल का समस्त घराना, हाँ यहोवा के आगे, हाँ सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, हाँ और वीणा, हाँ सारंगिया, हाँ डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जितने इंस्ट्रूमेंट्स है सब इंस्ट्रूमेंट उधर बजाकर क्या कर रहे, लेके जा रहे। हाँ
जब वे नाकोन के खलियान तक आए, नाकोन नाम के एक व्यक्ति के खलियान के पास आए, तब उज्जा ने अपना हाथ, उज्जा कौन? अभिनादाब का बेटा। उसने, वो किधर था? वो पीछे था। आगे कौन था? बड़ा बेटा अहिया आगे था, पीछे उज्जा था। बाकी सारंगी वीणा बजाकर दाऊद उसका टीम आगे आगे क्या कर रहा है? जा रहा है। जाते समय में कौन सा, किसका खलियान? नाखून के खलियान के पास जब आया, तब उज्जा ने अपना हाथ, परमेश्वर की संदूक की ओर बढ़ाकर, उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण, उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। संदूक के पास ही क्या हो गया? मर गया। अभी हम लोग आज तक सुना, परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? बचाता है, प्रेम करता है। ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ करके क्या करता है? बुलाता है। लेकिन यहाँ पर एक घटना पढ़ते हैं, इधर परमेश्वर क्या कर रहा है? उज्जा को जिंदा मार डाला। क्या किया? उज्जा को जिंदा मार डाला। क्यों मारा भाई? उसने किस पर हाथ लगाया? परमेश्वर के संदूक पर क्या किया? हाथ लगाया। हाथ लगाने से क्या हो गया भाई? आपको जानता होगा, आपने पढ़े होंगे, पढ़ेंगे निर्गमन 25 का 10वां वचन से पढ़ना शुरू करो। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, हाँ, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, हाँ, और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, हाँ, और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, हाँ, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाट बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर, हाँ, उसके 4। ये अध्याय घर में जाकर पढ़ लीजिए, निर्गमन 25 अध्याय 10 से लेकर 22। यहाँ पर संदूक के बनावटी के बारे में लिखा, कैसे कैसे चीजों से इस संदूक को क्या किया गया था, बनाया गया था। अब इस संदूक को कौन उठाना है, कौन लेके जाना, इसके बारे में गिनती 4:1-20। गिनती 4:1-20 है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। देखो कौन सा गोत्र इसको उठाएगा। हाँ, पहला, दूसरा वचन पढ़िए। लेवियों में से, हाँ, कहातियों की, हाँ, उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार, हाँ, गिनती करो, हाँ, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। कौन सा परिवार? लेवियों में कहातियों के परिवार में से लोगों को तैयार किया गया, हाँ, अर्थात 30 वर्ष से लेकर, हाँ, 50 वर्ष तक की आयु वालों में, हाँ, जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती है। इनको किधर भर्ती किया गया? मिलाप वाले तंबू के कामों के लिए क्या किया गया? भर्ती किया। इनमें से ये जो मिलाप वाले तंबू में के कीमती वस्तु, परम पवित्र वस्तु, कौन सा वस्तु बोलेंगे? परम पवित्र वस्तु है। इनको उठाने का काम किसको दिया गया है? लेवी गोत्र में से कौन सा वंश को? कहात वंश को क्या किया गया? दिया गया। इसका मतलब मंदिर में के महापवित्र वस्तु, एक एक बोलेंगे कौन कौन सा है मंदिर में पवित्र वस्तु, महापवित्र वस्तु कौन कौन सा है? एक तो है संदूक, दूसरा क्या है? आगे का पट्टी बार था, हाँ, फिर क्या था? दीवट है, हाँ, वेदी है, मेज है। समझ में आ गया आपको? ये सब मंदिर में रखे गए महापवित्र वस्तु है। इन वस्तुओं को छूने का, उठाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? कहाती वंश को था, लेवी वंश के कहात के गोत्र को ही अधिकार था। लेकिन हम इधर पढ़ते हैं, दाऊद जिसने मंदिर बनाया, उसने एक सबसे बड़ा गलती कौन सा किया? संदूक को उठवाने के लिए, okay, किसको लेके गया? 30,000 वीरों को लेके गया।
किसको लेके गया? समझ में आया? यहाँ पर एक माइनर गलती, जिसको हम लोग छोटी बात बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? छोटी बात। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा नाम को अपवित्र होने नहीं दूंगा। विषय क्या था? आज्ञा तोड़ी गई। क्या किया गया? आज्ञा क्या की? कैसे तोड़ी गई? कहाँ गोत्र के लोग ही संदूक को क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। लेकिन इधर जो चाहा वो क्या कर रहा है? और दूसरी बात, नई बैलगाड़ी में इसको रखकर क्या कर रहे हैं? ले जा रहे। जबकि इसको कैसे लेके जाना है? कंधे पर क्या करना है? लेकर जाना था। हांकने वाला कौन? उज्जा और अहियो। ये लोग क्या कर रहे हैं? उस गाड़ी को हाँक कर लेके जा रहा है। अब जब ये संदूक सरक रहा है, एक किसके का खरियान, अब बैल ठोकर खाने लगी, तो पेटी सरक कर क्या करने लगा? जब गिरने आ गया तो उज्जा ने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या नहीं करना? खेलना नहीं। इसलिए हम लोग प्रार्थना के समय में भी वो भाई भक्ति के साथ बच्चों को भी जितना नहीं शांति रखना। इसलिए मैं आपको समझाया बच्चों को कैसा शांत कराना। मेरे वजह से परमेश्वर की उपस्थिति में गड़बड़ी मचना नहीं। इसलिए फोन बंद, बंद बोलेगा तो बंद। हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं यहोवा हूँ। मेरा नाम इसराइल में क्या ही माना जाएगा? पवित्र माना जाएगा, चाहे तू मान। ये विषय को परमेश्वर हमको क्यों चिता रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति को हल्का ना समझना। यहां पर हुआ गलती क्या? दाऊद परमेश्वर का मंदिर बनाने का एक क्या मिल गया, अधिकार मिल गया, तो दाऊद क्या भूल गया? क्या भूल गया? व्यवस्था को क्या कर गया? भूल गया। तो कई बार हम भी अपने आप को क्या करें, जांच कर देखें। चेले सब कुछ सीखे, जो बात बाकी किसी को नहीं मालूम किसको मालूम है? कैसे? यीशु साथ में रहकर जो दृष्टांत में दूसरों को बताया था उसका विवरण पूरा कौन लेता था? चेला। सही है गलत है? डिटेल बात को क्या करता है? जानता। जानते समय में एक छोटा सा क्या आ गया, आ गई कि मैं भी कुछ हूं। पत्रस बोलता है सबसे पहला उद्धार में आया बोलेगा तो कौन है? तो पहला सीट में कौन बैठेगा? तू तो बाद में आया ना, तू किधर बैठ? ये बात उनके बीच में चलती रही तो यीशु आए। क्या चल रहा है? तो बोले ऐसा सा बात चल रहा है। तब यीशु ने क्या किया पढ़ेंगे, मत्ती उसका 18 अध्याय निकालो, मत्ती 18 एक से पढ़ना शुरू करेंगे। उस घड़ी हाँ चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हाँ स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। विषय क्या है? परमेश्वर कौन है? पवित्र है। उसका नाम पवित्र माना जाना चाहिए। तो हम उसके नाम को अपवित्र कैसे करते हैं? अपवित्र कैसे करते हैं? उनकी आज्ञाओं को तोड़ने से उसका नाम को क्या मानते हैं? अपवित्र। अगर उन आज्ञाओं को अगर हम मानकर चलेंगे तो उनका नाम क्या किया जाएगा? एक आज्ञा तोड़े जाने का कारण क्या? क्यों ये विषय को मैं ऐसा इधर से सब घुमा के लेके आ रहा हूं?
आसानी से परमेश्वर की दिया हुआ आज्ञा को व्यक्ति क्यों तोड़ पाता है, जबकि वो क्या समझता है कि ये ही कौन है, परमेश्वर है। जानने पर भी कैसे एक व्यक्ति हिम्मत करता है कैसे क्या करने के लिए, आज्ञाओं को तोड़ने के लिए कैसे कर पाता है, खुद को कुछ क्या करने लगता है, समझने लगता है। ये आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है, आम बात है। वचन सीखते 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 हम में क्या आ जाती है, एक घमंड आ जाती है कि मैं इनसे तो बड़ा हूँ। अच्छा का बात नहीं, क्या है, मैं इतने सालों से मैं क्या कर रहा हूँ, वचनों को जानता हूँ, सीखता हूँ, करता हूँ। ये बात मंदिर बांधने वाला किसके अंदर भी आया, दाऊद के अंदर भी आ गया। उसने क्या सोचा, थोड़ा अभी क्या करेंगे, नया तरीके से परमेश्वर की क्या करेंगे, है ना। पुराने समय में वो मूसा के समय में कैसे करते थे, कंधे पर लेके चलते थे, हम थोड़ा सा अभी इसमें क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। अभी आपको समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने जो कानून सेट किया उसमें कोई बदलाव नहीं। समय के हिसाब से परमेश्वर की व्यवस्था को क्या नहीं करना, नहीं बदलना। हम लोग व्यवस्था के अनुसार क्या करना, याद होगा आपको ये बात आपको पहले बताया था। कई बार हम क्या करते हैं, मौके के हिसाब से वचन को हम अपने लिए क्या कर लेते हैं, बदल लेते। जैसा दाऊद ने सोचा, मूसा के समय में गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी, इसलिए शायद मूसा किसमें लेके जाता था। थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, अभी हम लोग थोड़ा वो टाइम पे तंबू में था, अभी तो हम परमेश्वर के लिए क्या बनाने जा रहे हैं, पक्का मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा नया सिस्टम में क्या करेंगे, समझ में आया। ये बात आने के कारण सबसे बड़ा दुखद घटना क्या है, आराधना आगे होती जा रही है, पीछे एक का क्या हो गया, मौत। ये परमेश्वर का संदूक जहां जहां गया था, फिलिस्ती ने क्या समझ के लिया था, इस युद्ध में हमने क्या पा लिया, जय पा लिया है, ये हमारा ट्रॉफी है। क्या है, फिलिस्ती क्या सोचे, असली में ये घटना होने किसने दिया, परमेश्वर ने होने दिया कि मैं अपनी उपस्थिति को इजरायली से अभी क्या कर रहा हूं, हटाना चाहता हूं। पहले परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा क्या दिया था, चेतावनी दिया था, किसको, शाऊल को, किसको, एली को, है ना, याद होगा आपको, सामुएल को क्या किया था, हाँ सब बातें बताया, सामुएल ने भी किसको बताया होगा, क्योंकि एली पूछ रहा था बेटा, हाँ पूछा ना, क्या बताया मुझे भी क्या कर, तभी सामुएल ने सब बात क्या किया होगा, बताया होगा। लेकिन एली वचन के अनुसार बदलने के लिए तैयार नहीं होने के कारण आखिर में परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। हटाकर इसराइल को एक बड़ा हार, कैसा हार है, संदूक क्या किया गया, छीन लिया गया। इस संदूक को फिलिस्ती क्या समझ के ले गए, हमने युद्ध में ट्रॉफी पाया, जीत लिया, बड़ा दौलत हमको क्या किया, मिला। लेके जाकर किधर रख दिए, दागोन के मंदिर में लेके जाकर क्या कर दिया, रख दिया, रखा, खुशियां मना रहे, रात को रखे, सुबह क्या हो रहा, जितने उधर देवी देवताएं रखे गए थे सब औदे मुंह क्या करे उसके सामने। को वचन आप पढ़िए जरा, पहला सामवेल 5:4 में पढ़िए। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने, दागोन जो फिलिस्तियों का सबसे बड़ा कौन है, देवता है वो, संदूक के सामने औदे मुंह
पर गिर पड़ा है। कैसे पड़ा है? औदे मुंह का मतलब मुंह के बल। कौन पड़ा है? परमेश्वर की उपस्थिति में मूर्ति, कुछ नहीं उसमें, जीव भी नहीं है, वो भी कैसे पड़ा? मुंह के बल पड़ा है। हाँ, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। क्या रह गया था? हाँ, आगे इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्दोद में दागोन की देवड़ी पर पाँव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। हाँ, इस प्रकार से उधर गांव में पूरा बीमारी फैल गई। फिर उधर से वो बेटी किधर गया? यह हाल देखकर आगे 6:19 में पढ़ो। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। अभी अगला क्या हो गया? संदूक किधर चला गया? बेतशेमेश के लोगों के बीच। बेतशेमेश के लोगों ने क्या किया? संदूक के अंदर क्या किया? झांका। जबकि अंदर झांकना मना था। उनको मालूम है, खाली किसको मालूम है? इजरायली को पता है, इनको मालूम भी नहीं था। इन्होंने अंदर क्या किया? झांका। हुआ क्या? उसने उनमें से सत्तर मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और कितने? टोटल कितना हुआ? पहले कितना? 70। फिर कितना? 50,000। टोटल कितना हुआ? 50,000। 70 क्या हो गए? यहोवा के नियम को तोड़ने वाले को कितने गिनती में कितने मारे भाई? एक को जान से मारना आज के समय में क्या है? भारी है। लेकिन यही परमेश्वर जिसने जीवन दिया उसने कितने को मारा? क्या कारण? संदूक के अंदर क्या किए थे? झाके थे। 50,000 लोग क्या किए? मर गए। तभी 20 वचन पढ़िए। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने क्या बोले? कभी बोले? पहले क्या सोचे थे? बेतशेमेश ये सब लोग कौन है? फिलिस्ती के गांव है, फिलिस्ती के देश के लोग ही है ये। पहले क्या सोचकर पेटी को लिए थे? हमको इस युद्ध में क्या मिला? ट्रॉफी मिला। बेतशेमेश के लोग बोलते हैं, हाँ पढ़िए वापस और एक बार। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता। अभी ये एक अन्य जाति के मुंह से क्या शब्द निकल रहा? क्यों ऐसा निकल रहा है? परमेश्वर ने क्या बोला? इसराइलियों के बीच मैं पवित्र माना जाऊंगा, अवश्य क्या किया जाऊंगा? माना जाऊंगा। जब बेतशेमेश के लोगों को परमेश्वर ने क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा। तो उज्जा को जगह पे क्या किया? मार दिया। इस मारने का मतलब क्यों मार रहा इधर परमेश्वर? क्यों मार रहे? आज्ञा तोड़ने वाला चाहे वो जो कोई क्यों ना हो, परमेश्वर साबित कर दिखाएगा मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं, साबित कर दिखाएगा। हम बोलेंगे मैं अभी प्रभु को क्या करता हूं? जानता हूं इसलिए चलेगा नहीं चलेगा। हम सोचेंगे मैं इतना वचन को क्या नहीं करता हूं? नहीं जानता। परमेश्वर कितना ही है? एक ही है। चाहे हम उसको मानते हैं
नहीं मान, चाहे हमने अपने लिए कितने देवी देवताओं को क्या कर लिए, बना लिए, लेकिन परमेश्वर कितना, देवी देवता हैं बहुत सारे, परमेश्वर कितना है, एक ही है, वो कैसा है, पवित्र है, वो अपना नाम को अपवित्र होने नहीं दे। अगर उसका नाम मेरे द्वारा अपवित्र माना जा रहा है, क्या करेगा, माफ कर देगा। हाँ, इसमें कोई माफी किस विषय में, उनका नाम क्या नहीं किया जाना। तो हम लोग आज से, और अभी तक चौकस थे, और क्या हो जाए, चौकस हो जाए कि मेरे किसी भी हरकत के कारण परमेश्वर का नाम अपवित्र ना हो जाए। उसने क्या किया, उसने क्या किया, संदूक गिर रहा था, क्या करने का काम किया, संभालने का काम किया, बचाने का काम किया, अच्छे तो काम किया था, है ना, लेकिन क्या किया गया, मारा गया। इसलिए नए नियम में भी हमने चेलों के विषय में मैंने क्यों बताया, चलते चलते चेले अभी क्या क्या समझ गए, हम भी कुछ है, अपने हिसाब से हम भी और कुछ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तब यीशु ने एक बात उनसे कहा, जिस यीशु ने इनको प्रार्थना करना सिखाया, वही यीशु इन्हें एक बात क्या बता रहा है, आगे पढ़िए मत्ती 18 अध्याय, हाँ एक से पढ़िए। हाँ, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। हाँ, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर, एक बालक को पास में बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, विषय आपको समझ में आ रहा है, परमेश्वर का नाम क्या किया जाना है, पवित्र माना जाना है। किसके द्वारा माना जाएगा, हमारे द्वारा पवित्र माना जाएगा। कई बार पवित्र क्यों नहीं माना जाता है, हम क्या कर देते हैं, आज्ञा को तोड़ देते हैं। आज्ञा तोड़ने का हिम्मत कब आता है, जब अपने आप को कुछ समझते, तभी हमसे क्या हो जाती है, आज्ञा टूट जाती है। तोड़ने से हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर माफ कर देगा, माफ नहीं क्या कर देगा, मार डालेगा, क्या करेगा, मार डालेगा। मार डालने का मतलब शरीर में अभी शायद जिंदा, शायद शरीर से भी क्या करते हैं ना, नया नियम के कलीसिया में अनन्या सफीरा जान से क्या कर दिया, क्यों मार दिया, आज्ञा को क्या किया, तोड़ा। अनन्या सफीरा ने क्या सोचा, अभी वो तो ठीक है विषय वो था, लेकिन इन्होंने क्या सोचा, अभी थोड़ा वचन का जानकारी मुझे भी हो गया है, प्रेरितों को कैसा उल्लू बनाना है, हमें भी अभी मालूम चल गया। हालेलुया, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझा आपको, हमने विषय क्या पढ़ा, उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन बेचा, कुछ हिस्सा को अपने लिए रख लिया और छुपा के रखा, सोचा हमारे लिए भी बाद में क्या होगा। हाँ, याद रखिए असली खेल इधर क्या हुआ, अनन्या सफीरा ने क्या सोचा, प्रभु में बढ़ते बढ़ते अभी मुझे भी कुछ जानकारियाँ
भूल गई, क्या जानकारी होगी? प्रेरितों को कैसे उल्लू बनाया जाए। हुआ क्या, समझ में आया? जो बचा के रखा था वो भी खाने का लायक का, सही है गलत है? क्यों ऐसा हुआ? आज्ञा को क्या करने के कारण? तोड़ने, आज्ञा तोड़ने का एक बात एक इंसान के अंदर कब आता है? उदाहरण के लिए, चलो लंबी चौड़ी बात नहीं, सिग्नल में हम लोग बाइक ले, बाइक चलाते हैं, गाड़ी कोई गाड़ी एक्टिवा चलाते ना, बस ना, बहुत हो गया, लाइसेंस वगैरह है नहीं बनाया, ठीक है? आप लोग देखे होंगे सिग्नल में हम जब खड़े रहते हैं, कुछ एक रहता है लाल बत्ती जलता रहेगा तभी भी क्या करेगा, जी करके उधर से ऐसा जोर से क्या करेगा? लाल बत्ती का मतलब क्या है? रुक जाना, नहीं खतरा है आगे। ये क्या बोलता है? देख खतरा को भी मैं क्या करके दिखाता हूँ, लांग कर क्या करता हूँ। ये क्यों ऐसा जाता है? गाड़ी चला चला कर मुझे अभी क्या हो गया, अनुभव हो गया, सामने से अगर कोई गाड़ी आ भी जाए उसको कैसा पार करके जाने का टेक्निक मेरे पास भी है करके, जो पीछे खड़े हैं ना उनको बोल दे तुम लोग को क्या नहीं है, हाँ इतना अनुभव नहीं जितना, मतलब इसने खुद को क्या समझा, कुछ बड़ा समझने के कारण ये बिंदास क्या करता है, अरे आगे पुलिस वाला रहेगा उसको भी मैं आसान से क्या कर देगा, है ना? कई बार ऐसे मीटिंग में आप लोग चलते आते समय सुने होंगे, जो ग्रुप में लड़के लोग खड़े रहेंगे, है वो सब क्या है, वो मेरा बाएं हाथ का खेल है यार, उस इंस्पेक्टर को ही मैंने क्या कर दिया, उसके सामने से निकल गया मेरे को पकड़ने पाया, मालूम है क्या? ऐसा बात करते हुए क्यों ऐसा क्यों, ये आज्ञा मानना है या तोड़ना है, ये मानने का काम किया या तोड़ने का काम किया, उसमें भी एक क्या आता है, मैंने क्या किया, तोड़ा। ये क्यों तोड़ पाया, उसने खुद को क्या किया, कुछ समझा। ऐसे ही चेले भी कुछ क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, तब यीशु ने बोले जब तक क्या नहीं बनेगा, बालकों के समान अपने आप को छोटा नहीं करेगा, स्वर्ग के राज्य को मैं क्या नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अभी हम बोल रहे थे मार डालेगा परमेश्वर, मार डालेगा, मैं तो जिंदा हूँ, मर गया करके कैसा मालूम पड़ेगा, कैसे आत्मा में मर गया बोलते, ठीक है कैसा मालूम पड़ेगा? हम सब इधर प्रार्थना में बैठे लेकिन हमको तो कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, हमको लगता है कि मैंने आया अभी कभी, क्लियर हो गया? तो वचन सीखते सीखते कई बार हम सबसे क्या बन जाते, बड़े, इसलिए यीशु ने एक बात चेलों से कहा, सब बात ठीक है, सब कैसे बनना है, बालक के समान। अभी कुछ बात हम लोग बाइबल में से, बच्चों के स्वभाव, ये वचन बच्चों के लिए नहीं, किसके लिए, बड़ों के लिए, हमें क्या बनना है, अभी हम लोग बच्चे से क्या बन गए, बड़े बन गए, अभी बड़े से क्या बनना, बच्चा बनना। क्यों, यीशु ने कहा कि हम सबको क्या करना है, बच्चों के समान होना है। तो एक और वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस 10:13-16 सेम विषय है, फिर एक बार उसमें से एक बात आप पढ़ेंगे, 10:13-16 लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे। हाँ, लोग क्या कर रहे थे, बच्चों को लेकर यीशु के पास आ रहे थे कि यीशु उनके ऊपर क्या रखे, हाथ रखे। हाँ, पर चेलों ने उनको डांटा, चेलों ने उनको क्या किया, डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रोध होकर क्या हो गया, क्रोधित हो गया। यीशु किस बात से क्रोधित हो गया, कि चेले बालकों को क्या करने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे। हाँ, तभी उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो। तुम किसको आने देते नहीं देते, किसको मेरे पास आने दो,
बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, उन्हें क्या मत करो, मना ना करो, क्योंकि हाँ परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर का राज्य इधर बच्चे को ले आ रहे, परमेश्वर का राज्य का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो किसके समान है, बालकों के समान है। तो जब तक पर बालक के समान नहीं बनेंगे, परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं है, प्रवेश नहीं है। तो बालकों के समान हमको क्या करना है, बनना है, क्योंकि परमेश्वर के पास प्रथम स्थान किसको ही है, बालकों को ही है। समझ रहे नहीं समझ रहे, परमेश्वर के पास नज़दीक में जगह किसको है, बालकों को है। बालक बोलते समय में, बालक समय जो बालक बोलते समय छोटे छोटे बच्चे किधर मत चले जाओ, किधर है, हम उम्र में कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेरा स्वभाव किसके जैसा होना है, बच्चों का सा होना। आगे बढ़ेंगे भजन संहिता 8:2, बच्चों के स्वभाव के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। भजन संहिता 8:2, तूने हाँ अपने बैरियों के कारण हाँ बच्चों और दूध पियो के द्वारा हाँ सामर्थ की नींव डाली है हाँ ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। इंग्लिश में है किसी के पास इंग्लिश, Out of the mouth of babies and sucklings हाँ, has the ordained strength हाँ, because of thine enemies हाँ, that thou mightest still the enemy and the avenger। हिंदी में और एक बार पढ़ो। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियो के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। किसके द्वारा नींव डाली है, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा, दूध पीने वाले बच्चों के द्वारा सामर्थ के नींव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। किसको रोकने के लिए, शत्रु और पलटा लेने वालों को हराने के लिए, उनका बदला लेने के लिए परमेश्वर किसको ढूंढता है, किसको रखा है, बच्चे और दूध पीने वाले बच्चे। आत्मिक अर्थ में दूध पीने वाला बच्चा कौन, जो वचन के लिए क्या रहता है, लालसा रखता है ना, वो कौन है, दूध मुहे बच्चे। इन बच्चों को रखकर परमेश्वर किसको, इंग्लिश में और एक ट्रांसलेशन में ऐसा दिया है, दो हैस पुट स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब तूने अपना एक क्या क्या एक मजबूती का एक क्या डाला, नींव डाला, किसके द्वारा, बच्चे और दूध पीने वाले बच्चों के द्वारा, ताकि शत्रुओं को क्या कर सके, उनका पलटा ले सके। बच्चों बनने से क्या लाभ है, शत्रुओं के गढ़ों को भी आसानी से प्रभु क्या करेगा, किसके द्वारा तोड़ेगा, बालक और दूध मुहे बच्चे। यीशु ने क्या बोले, तुम क्या बनो, बच्चों के समान बनो। जो व्यक्ति बच्चों के समान बन जाएगा उसको रखकर शत्रु का क्या लेगा, परमेश्वर पलटा है, लेना नहीं लेना। हमारा ड्यूटी क्या है, शत्रु को हराकर जय का झंडा क्या करते जाना, गाड़ते जाना। लेकिन जय का झंडा कितने जगह पे अभी तक गाड़ पाए, लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए। जय का झंडा लगाने का मतलब समझ में आया, एक विषय के लिए मैंने अगर प्रभु के पास प्रार्थना किया, एक व्यक्ति के लिए मैंने अगर प्रभु के पास प्रार्थना किया, उसको मैं क्या कर सका, पकड़ सका, प्रभु में मैंने ला सका, कितनों को ऐसे लाभ है, क्यों नहीं लाभ है, नहीं है। दूध मुहे बच्चों के समान नहीं है। बालक, बालक बोलते समय में वो नम्र स्वभाव, दूध मुहे बच्चे बोलते समय वचन का भूखा,
नहीं होने के कारण कितने जय के झंडे लाए, श्रेष्ठ गीत 6:10 6:10 ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा निर्मलता में सूर्य पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। ये किसके बारे में बोला गया है? कलीसिया। किसके बारे में? हम सब परमेश्वर के कौन है? राजदूत है। क्या काम दिया गया? सुसमाचार का काम हमें क्या किया गया? सौंपा गया है। सौंपते समय में मैं आपसे इस विषय को प्रार्थना पूर्वक समझने के लिए कहता हूँ कि कितने पताका लहराए। पताका लहराने का मतलब क्या है? आप देखा होगा फौजी लोग को, आपने देखा ना? नहीं देखा तो आज घर में जाकर मोबाइल में जाकर देख लेना, फौजी के कंधे में, हाथ में, सीने में, गले में कई प्रकार के क्या होता है? बैज होता है, कलर कलर का पट्टी होता है, बिल्ला होता है। हम बोलेंगे ये सब क्या कचरा लटका के क्या करता है? कचरा नहीं भाई, वो एक बिल्ला कमाने के लिए जान को कुर्बान देकर क्या किया, समझ में आ रहा है? एक बिल्ला, एक फित मिलने के लिए, कंधे में एक स्टार मिलने के लिए उसने कितने कुर्बानी करके इन चीज़ों को हासिल किया। ये कब मिलता है? जब उसने एक एक क्या लाया, क्या लहराया? पताका लहराया। मतलब पताका लहराने का मतलब क्या है? पताका मीन्स झंडा, झंडा को फहराना का मतलब उस जगह को या उस चीज को या उस युद्ध में मैंने क्या पाया। इस विषय को आप रखकर प्रभु से क्या करना, प्रार्थना करना, प्रभु आज तक बहुत काम किया लेकिन अभी तक क्या नहीं गाड़ा, एक भी झंडा नहीं गाड़ा। कौन गाड़ सकेगा? परमेश्वर। बच्चे, बालक और दूध पीने वाले बच्चे, ये नोट करके रखो। अभी मेरा जीवन से प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे क्या किया रखा है, अभी हवा में क्या नहीं मारेंगे? मुक्का नहीं मारेंगे। क्या नहीं मारेंगे? हवा में मुक्का नहीं मारेंगे। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरा काम प्रथम स्थान नहीं है, रोटी गुजारा प्रभु समय पर क्या करेगा, प्रबंध करेगा। मेरा पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? राजदूत का ड्यूटी क्या करना है, निभाना है। राजदूत का ड्यूटी क्या है? स्वदेश के संदेश को परदेश में सुनाना, सिर्फ सुनाकर चला जाना है ना। हाँ, क्या करना है? आपने चाल चलन से क्या करना है, दिखाना है। ये मेरा क्या है, ड्यूटी है। इंसान बोलकर मुझे जन्म देने के पीछे का सबसे पहला ड्यूटी मेरा यही है। मेरे स्वभाव, मेरे चाल चलन से मुझे राज्य का समाचार क्या करना है, सुनाना है। सुनाते समय में, बताते समय में मुझे क्या भी मिलना है, वचन को वापस पढ़िए 6:10 को लास्ट लाइन। और पताका फहराती हुई, पताका फहराती हुई सेना की तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती, किसके समान? सेना के समान। हम भी परमेश्वर की सेना में एक है ना, के समान दिखना है तो क्या चाहिए गोविंद भाई, क्या खूबी चाहिए हमें? किसके समान बनना? बालकों के समान और दूध पीने वाले बच्चों के समान, क्योंकि उन्हीं को रखकर परमेश्वर दुश्मन को पलटा लेगा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। यही बात यीशु ने किसको सिखाया? चेलों को सिखाया। सिख लिया बोलकर मत समझ
क्या बन सीखते सीख, इसका मतलब बोलने का मतलब क्या, सीखते सीखते तो दिन ब दिन क्या बनते जाना, क्या बनते जाना, जितना छोटा बन सकता है उतना क्या करना। इतना समझ में है, इतना समझ में है। आगे पढ़ेंगे मरकुस 9:36-37 पढ़िए, 9:36-37। और उसने एक बालक को लेकर, उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, उसे किधर भी लिया, सबसे करीबी कौन है, समझ में आ रहा, उनको क्या भी लिया, गोद में लिया, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, एक को भी क्या करता है, ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। वो किसे ग्रहण करता है, कितना बड़ा दर्जा देगा, किसको ग्रहण करता है, ऐसे बालकों में से एक को ग्रहण करता है, किसको ही ग्रहण करता है। बालक बनने का लाभ क्या है, बालक बनने का लाभ क्या है, मुझे अगर किसी ने ग्रहण किया तो किसको ग्रहण करने के समान। कभी ऐसा हुआ कि आपके आने से मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्गीय आज मेरा घर पे आया, कभी ऐसा किसी ने बोलते हुए कभी अजमाया, कभी किसी ने बोला, नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, अभी तक कौन सा स्वभाव नहीं है, बालक का स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं जाएगा तो भी बोलेगा ये अभी क्यों आया, या जबरदस्ती अंदर भी चला जाए तो बोलेगा ये अभी कब जाएगा, क्यों ऐसा, अभी तक क्या नहीं बना, बालक नहीं बना। अगला पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब सबसे छोटा शिशु कौन है, ये नए जन्मे हुए बच्चे। देखो हम लोग किधर तक पहुंचना है, उतना नीचे आना। अभी नया जन्मा हुआ बच्चा क्या करता है, पढ़ो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करता है। वचन पढ़ते समय में अंदर आग भड़कती है या बुझती है, ये आप अपने आप को पढ़ के, मुझे नहीं बोलना। अगर वचन पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर क्या हो रहा है, आग लग रहा है, तो अभी किधर तक आया, किधर तक आया, बालकों के, दूध पीने वाले बच्चों के लेवल तक क्या करके आ गए। उसके साथ पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 14:20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु हाँ, समझ में सियाने बनो। समझ में क्या बनो, सियाना बनो। किस में सयाना बनना, नहीं तो क्या है ना, कभी कभी हम बोलते हैं क्या रहे, हमेशा बच्चे के जैसा क्या करता है, हरकत करता है, क्यों ऐसा हरकत करता है। किस में बालक बनना, बुराई में क्या बनो, बालक बनो, और समझ में क्या बनो, इस ये वचन में से मैं इसी बात को लेना चाहूँगा, समझ में क्या बनो, सयाना बनो। कौन सा काम कैसा करना, कब करना, ये समझदारी में क्या बनना है, सयाना, उसमें बालक नहीं बनना। नहीं तो हम उसमें भी क्या बन जाएंगे, मुझे मालूम नहीं है ना। मैं अभी सुनीता सिस्टर के घर पे हम लोग गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, हम ही पूछ रहे हैं कि मैं बैठ सकता हूँ क्या, तो हाँ अपने घर में क्या करो, ये कभी बोले, हमने पूछा, ठीक है बैठ गए, अभी बैठ के करूं क्या, वो भी सामने चुपचाप क्या किया है, मरियम की तरह बैठ गया, किसकी तरह, उन वो नहीं कर रहे हैं समझा, मरियम की तरह वो भी क्या कर गया, बैठ गया। तो सिर्फ क्या भी नहीं बनना, मरियम भी नहीं बनना, और सिर्फ मार्था भी नहीं बनना। क्या क्या बोला,
हालेलुया। आपको समझ रहे नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता। गोविंद भाई समझ में आया? गोविंद भाई आज गाड़ी इधर नहीं लगता है, इधर ही है। नहीं नहीं सिर्फ मरियम भी नहीं बनना, मैं ये वर्ड भूलना नहीं तो बोलेगा मरियम भी नहीं बनना मार्था भी नहीं बनना तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ मरियम भी नहीं बनना और सिर्फ मार्था भी नहीं बनना, दोनों भी क्या करना होना है। कई बार हम लोग सिर्फ क्या बन जाते हैं, मरियम बन जाते हैं। मार्था तो मार्था कभी कभी कोई कोई मार्था नहीं बनता, कोई कोई क्या नहीं बनता, मरियम नहीं बनता। कई लोग बोलते हैं मेरे घर में मेहमान आएगा तो उनको खिलाने पिलाने में बहुत मुझे क्या लगता है अच्छा लगता है, लेकिन वचन के लिए बिठा देगा तो क्या आ जाएगा। कुछ लोग मुझे बहुत क्या करना है वचन सीखना है, लेकिन मैं किसी को पानी भी नहीं पिला, पूछेगा भी नहीं। पिलाने का बात तो अलग है, क्या पूछेगा देखने। तो सिर्फ और सिर्फ मार्था नहीं, दोनों भी स्वभाव हमारे अंदर क्या करना रहना चाहिए। इतना समझ में आया? हाँ कौन सा वचन पढ़े? हाँ और एक बार पढ़ो। भाइयों तुम समझ में बालक न बनो। हाँ समझ में बालक न बनो। बुराई में तो बालक रहो। बुराई में कैसे रहो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में क्या बनते जाओ, ये अंडरलाइन करके रख लो। मेरे को आता नहीं या मुझे मालूम नहीं, ये कौन नहीं बोलेगा? ये कौन नहीं बोलेगा? विश्वासी नहीं बोलेगा। समझ में आपको क्या बनना है? सियाना बनना ही बनना। इतना आपको समझ में आया? मैंने तो वचन बता दिया, अभी पालन करना नहीं करना किसके ऊपर है? आपके ऊपर। नहीं मैं अभी भी बच्चों की तरह, क्योंकि यीशु ने बोले तो मैं बच्चा ही बन कर रहूँगा। नहीं किस में बच्चा बनना? बुराई में। बाकी समझ में क्या बनना है? सयाना बनना है। समझ में? तो कौन सा काम किस रीति से करना है ये ज्ञान आप प्रभु से क्या करो मांग कर क्या बनते जाओ सयाना। अगला अभी पहले करंती 14 पढ़े ना, हाँ अगला पढ़ेंगे इफिसियों 5:1-2। इफिसियों 5:1-2। इसीलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण करो। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। भेंट करके क्या कर दिया? बलिदान भी कर दिया। किसका अनुकरण करो? वापस एक बार पढ़िए। इसीलिए प्रिय बालकों के समान, किसके समान? इधर एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुआ, क्या? सबसे लाडला बेटा ना, हम लोग कभी कभी बोलते ना ये माँ का लाडला। हमारे बाप का लाडला बनने के लिए क्या करना है? परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण का मतलब क्या है? पीछे चलो। तमिल में क्या दिया? पिन पर्टिकुलर। इंग्लिश में क्या दिया? बी ए देयरफॉर फॉलोअर्स ऑफ गॉड। फॉलोअर्स इसमें ये असली इसका मूल भाषा अर्थ क्या है? बी एन इमिटेटर ऑफ क्राइस्ट। किसका? इमिटेटर। इमिटेटर का मतलब क्या है? सेम वैसा, कॉपी। हम लोग बोलते ना उनका जैसा नकल करता है, क्या करता है? ये शब्द सुना आपने? उनका जैसा क्या करता है? नकल करता है। तो इधर हमको भी नकल करना है किसकी जैसा? अनुकरण का मतलब क्या है? कॉपीकैट। किसका अनुकरण करना है? परमेश्वर का अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या है? उनके जैसा, इसको हमारे भाषा में नकल करना, जैसा वो है। अभी पढ़ो। इसीलिए प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। हाँ अभी बालक है, बालक के अंदर का खूबी क्या है? क्या है इसके अंदर क्या होना चाहिए?
प्रेम। हाँ, प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे क्या किया, प्रेम किया, और हमारे लिए। हाँ, अभी हमको क्या बोला, आप भी क्या करो, प्रेम करो। यीशु ने कैसा प्रेम किया, अपना क्या भी दिया, जान देने का मतलब क्या है, जान देने का मतलब क्या, मुझे जिंदा रखने के लिए अपना जान क्या किया, दिया। तो तुम भी उसका नकल करने वाला बनो कि दूसरों को जान बचाने के लिए खुद का जान क्या करो। अभी मैं बोलता, मैं भी बच्चों से, मेरे को बहुत प्यार है, बोलने से थोड़ी चलेगा, समझ में। लोगों के विषय में मेरे मन में बहुत बोझ है, कैसे दिखेगा, अच्छा दिखेगा, कैसे दिखेगा, मैं बोलता हूं मेरे को क्या है, बोझ है, लेकिन कैसा दिखेगा, जैसा यीशु ने मेरे लिए क्या दिया, जान दिया, मुझे भी एक पताका लहराने के लिए क्या देना है, तभी मैं क्या व्यक्त कर रहा हूं, प्रेम प्रकट कर रहा हूं। इतना समझ में, यीशु ने कैसा मुझे, मेरे लिए जान दिया, मेरे अंदर क्या खूबी थी, मुझे उद्धार में लाते समय मैं कितना साहूकार था। अभी मैं सामने वाले को कैसा अपेक्षा करता हूं, नहीं नहीं नहीं, मेरा बात आप नहीं समझ, मेरा, मैं जब उद्धार में आते समय में प्रभु ने मुझे देखते समय मेरे अंदर क्या खूबी थी, सबसे गंदे थे, तब भी उसने मुझे क्या किया, मेरे गलती को ही क्या नहीं किया, बताता नहीं रहा, सुधर, चिल्लाता नहीं रहा, उसने क्या दिखाया, प्रेम दिखाकर मुझे क्या किया, उस पाप से क्या किया। तो मुझे प्रभु ने कहा कि तुम भी उसका क्या बनाओ, क्या करो, मतलब नकल करो। कैसे नकल करेंगे, अब सामने वाले को मालूम है ये क्या है, क्या चीज है, फिर भी बोलेंगे तू गधा है, वो तो पहले ही बोलते कि मैं पहले से ही कौन हूं, तो तू बोल कर मुझे दिखाने की जरूरत, तो सामने वाला क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो यीशु ने अपना प्रेम को कैसा मुझे दिखाया, मेरे कमियों को देखकर उसने क्या नहीं किया, लेकिन उस कमी से मुझे निकालने के लिए, मेरे कमी को बता बता कर नहीं निकाला, अपना क्या दिखाया, प्रेम दिखाया। इसी तरह से उसके प्रेम में आकर्षित होने के कारण आज मैं यहां हूं। इसी तरह से हमको भी किसी को प्रभु के बारे में बताना है तो क्या करना, प्रभु का प्रेम हमारे द्वारा क्या करना है, प्रकट करना है, जिसमें हमें अपनी क्या भी गंवानी पड़ जाएगी, जान, जान गंवाने का मतलब क्या है, उससे मेरा लाभ नहीं होगा, मेरा क्या बोलते हैं, तारीफ नहीं होगी, है ना। अभी आप लोग नहीं जाने होंगे, कोई गरीब लोग को खाना खिलाते समय साथ में क्या भी निकाल दे, वो क्या के लिए निकाल दे, मैंने भी गरीबों को क्या दिया, खाना दे, तो मेरे को क्या मिले, तारीफ मिले, इस उद्देश्य से वो काम क्या कर दे, करते, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी लाभ किसी वस्तु को क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्रेम क्या करना है, कौन दिखाएगा, ऐसा कौन दिखा सकता है, कौन दिखा सकता है, परमेश्वर ही दिखा सकता है। अनुकरण करने वाला कैसा अनुकरण करना है, प्रिय बालक, तो ये प्यार कौन ही दिखा सकता है, प्रिय बालक ही क्या कर सकता है, कौन दिखा सकता है, समझ में आया। ये प्रिय बालक के अंदर क्या रहेगा, मसीही प्रेम। मसीह प्रेम में क्या है, सामने वाले की कमी कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, वो सोचेगा, प्रभु के पास प्रार्थना करेगा कि इसको मैं इस हालत से कैसे निकालूं, समझ में आए।
अगला वचन पढ़ेंगे, और प्रेम में चलो हाँ, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ, और हमारे लिए अपने आप को हाँ, सुखदायक सुगंध के लिए हाँ, परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान की कर दिया। हाँ, अभी आप पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:14, जल्दी पढ़ेंगे। आज्ञाकारी बालकों के समान हाँ, अपनी अज्ञानता के समय हाँ, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हाँ, हाँ वापस पढ़िए। आज्ञाकारी बालकों के समान, कैसे बालक? पहले हमने पढ़ा प्रिय बालक, अभी कौन सा बालक है? आज्ञाकारी बालक के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं। अज्ञानता के समय मतलब जब प्रभु को नहीं जानते थे, हमने मन चाहा हुआ सब काम क्या किए, लेकिन अभी कौन सा? आज्ञाकारी बालक बनना। कौन सा बालक बनना है? आज्ञाकारी बालक के समान अपने अज्ञानता के समय पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, उसके जैसा क्या मत करो। अभी तक कितने बच्चों का नाम हमने देखा? कितने? प्रिय बालक, आज्ञाकारी बालक, हाँ, नवजात शिशु है ना, तीन नाम अभी तक क्या किया? कौन कौन सा नाम है? आज्ञाकारी बालक, नवजात शिशु, हाँ, और प्रिय बालक। अभी पढ़ेंगे पहला राजा 3:7 पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद के स्थान पर हाँ, राजा किया है हाँ, परंतु हाँ, मैं छोटा लड़का सा हूँ, छोटा और लड़का सा हूँ, तो छोटा लड़का क्या नहीं करता है? भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। ये कौन बोल रहा है? सुलेमान। सुलेमान क्या कर रहा है? बोल रहा है। ये अभी कौन से स्टेज में आया? बाप के जगह पर अभी क्या बनने वाला है? राजा बनने वाला। परमेश्वर के सामने कैसा नम्र कर रहा है? क्या बोलता है? मतलब क्या बोलता है? हे प्रभु, मैं आना जाना कुछ भी क्या नहीं करता हूं। मतलब नम्र करने का अर्थ क्या है? हे प्रभु, आगे जो भी करना है मेरी मर्जी से नहीं, अभी आप जो बोलेंगे उसी के अनुसार होगा। बालक के समान होने का मतलब क्या है? मेरी डिसीजन उसमें नहीं होगी। ये जबकि ये बड़ा लड़का है, राजा बन रहा, अभी देश को चलाना है, ये बात ये लड़का क्या बोलता है? मैं आना जाना नहीं जानता हूं। इसका मतलब क्या है कि आगे क्या करना, कैसे करना, फैसला किसकी नहीं होगी? मेरा नहीं होगा। मैं तो आपके सामने कौन हूं? छोटा लड़का सा हूं। इतना समझ में आया। अगला पढ़ेंगे इफिसियों 6:4 हाँ, रीस ना दिलाओ, परंतु परमेश्वर की शिक्षा चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पालन पोषण का अर्थ क्या है? इंग्लिश में इसको शब्द को कहे जाएंगे ब्रिंग देम अप। क्या करो उनको? क्या करो? बड़ा करो। किसमें? परमेश्वर के शिक्षा आओ चेतावनियों को देकर। फिर एक बार पढ़िए। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ हाँ, परंतु हाँ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी को देते हुए उनका पालन पोषण करो। उनका क्या करो? पालन पोषण करो। मतलब इस बच्चे को कैसा पालना है? कौन सा बच्चा? हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? प्रभु के सामने छोटा कर रहे। इस बच्चे को प्रभु में क्या करना है? बड़ा करना। कैसे बड़ा करेंगे? शिक्षा और चेतावनियों को देते हुए प्रभु में। हम बोलते ना, मैं अभी प्रभु में बढ़ रहा हूँ, है ना? हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ। कैसे बढ़ रहा हूँ? मैं प्रभु के सामने क्या बन गया? बालक के समान हो गया। इस बालक को अभी किस में बढ़ाना है? शिक्षा और चेतावनी दे देकर इनको क्या करना है? पालन पोषण करना। इसको क्या मत दिलाओ?
रीस मत दिला। विषय आपको समझ में आ रहा है? मैं प्रभु में अभी कौन हूँ? मैं दूसरे का नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। मैं अभी प्रभु में कौन है? बालक है। इसको प्रभु में बढ़ाना है या रोज बच्चा ही बन के रहेगा? कैसे बढ़ाएंगे? प्रभु की शिक्षा और चेतावनियों को दे देकर इसको क्या करना है? बड़ा करना। इतना आपको समझ में आया? समझ में आया? तो एक और वचन आप पढ़ लीजिए, तीसरा यूहन्ना 1:4। तीसरा यूहन्ना 1:4। मुझे इससे बढ़कर हाँ और कोई आनंद नहीं, आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे किस पर चलते हैं? सत्य पर चलते हैं। तो प्रभु का, कलीसिया में सेवक का, घर में मम्मी पापा का, सबका उद्देश्य यही है, ये जाने कि मेरे बच्चे किस पर चल रहे हैं? सत्य पर चल रहे हैं। समझ में आया? परमेश्वर का नाम क्या नहीं माना जाए? अपवित्र नहीं माना जाए। तो उसका नाम अपवित्र कैसा माना जाता है? आज्ञाओं को तोड़ने से। आज्ञा कौन तोड़ता है? जो अपने आप को कुछ समझता है वही आज्ञा को क्या करता है? तोड़ता है। आज्ञा तोड़ने का नतीजा मौत। आज्ञा तोड़ने का नतीजा, हम लोगों ने आज तक सुना, पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। लेकिन अभी वचन में क्या है? आज्ञा को तोड़ना भी क्या है? हम सोचे पाप करने वाला ही क्या करेगा, मरेगा, वो क्रॉस करके हम लोग किधर आ गया? आगे आ गया। अभी हमको कोई मौत नहीं है। इधर क्या लिखा? आज्ञा तोड़ना भी क्या है? मौत का कारण बन सकता है। क्यों परमेश्वर मारेगा? क्यों मारेगा? वो अपना नाम को क्या होने नहीं देगा। ध्यान रखे वचन सीख लिया, कई सालों से प्रभु में है, ये नहीं सोचना कि मुझे अभी मौत छू नहीं सकती है। जीवन देने वाला ही क्या करेगा? मारेगा। कब मारेगा? आज्ञाओं को तोड़ेगा। तो हमें दिन ब दिन क्या बनना है? क्या बनना है? बालकों के समान। बालकों के समान क्यों बनना है? तो बड़ा समझने, कुछ हूँ समझने के कारण ही हम आज्ञा को क्या करते? तोड़ते। तो हमें अभी बड़ा नहीं बनना, क्या बनना है? बालकों के समान। तो बालकों की कुछ खूबियों को हमने बाइबल से क्या किया? अभी देखा। इन खूबियों को घर में जाकर वापस से पढ़ो, जांचो मेरे अंदर अभी भी क्या चीज़ है जो मुझको अभी क्या समझती है? खुद को बड़ा समझती है। हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। किस बात से प्रभु प्रसन्न होंगे? कि मेरे बच्चे किस पर चलते? सत्य पर चलते। समझ में आए? तो इन वचनों को घर में जाकर और एक बार पढ़ो, प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु दिन ब दिन मुझे बच्चों के समान क्या करना है? बनना है। प्रिय बालक के समान क्या करना है? बनना है। ये बोलकर प्रार्थना कर, ताकि मेरे द्वारा आपका पवित्र नाम क्या नहीं माना जाना चाहिए? अपवित्र माना नहीं जाना चाहिए। इतना आपको समझ में आया? प्रार्थना।